18 कैरेट सोने का टॉयलेट, पूरी तरह से ठोस सोने का टॉयलेट जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। ये टॉयलेट चोरी हो गया और चोरों की तलाश ब्रिटेन के थेम्स वैली की पुलिस कर रही है। अमेरिका नाम का ये सोने का टॉयलेट इटली के कलाकार मोरिजियो कैटेलेन ने बनाया है। इसे ब्रिटेन के ब्लेनहाइम पैलेस में एक प्रदर्शनी के तहत लगाया गया था। पूरी तरह से चालू हालत में इस टॉयलेट को प्रदर्शनी में आने वाले दर्शक इस्तेमाल भी कर रहे थे। इस्तेमाल करने वालों की कतार लंबी ना हो इसलिए हर दर्शक के लिए 3 मिनट का समय निश्चित किया गया था। गुरुवार को टॉयलेट बाकायदा प्लम्बर की मदद से यहां लगाया गया, लेकिन टेम्स वैली पुलिस के मुताबिक शनिवार की सुबह 4:57 पर उसे टॉयलेट चोरी होने की जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देकर चोर वहां से करीब 4:50 पर फरार हो गए। 66 साल के एक व्यक्ति को चोरी के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि चोरी किए गए टॉयलेट को अभी बरामद नहीं किया जा सका है, लेकिन इसे ढूंढने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। इस टॉयलेट को सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में साल 2016 में गगनहाइम में प्रदर्शित किया गया था। वहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस टॉयलेट का इस्तेमाल किया था। 2017 में इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में उनके इस्तेमाल के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन ट्रंप ने ऑफर ठुकरा दिया था। फिलहाल ब्लेनहाइम पैलेस में इस टॉयलेट को उस कमरे के पास लगाया गया था जिसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल का जन्म हुआ था।